हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, रूट मोबाइल और आरती इंडस्ट्री। इनके केवल टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वो टॉप से लगभग 45-50% के लगभग करेक्शन में। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में दोस्तों हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके उनको वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज टेक्निकल चार्ट में जो बिगनर के लिए होता है, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस किस तरह से काम करते हैं, डॉक्टर लालपत लेब, लोअर स्लेब के बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अभी हम इन स्टॉक में क्या करना चाहिए, डिटेल से एनालिसिस किया है। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट। ये दोस्तों रूट मोबाइल के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। चार्ट को अप्रोच देने के लिए देखें किस तरह से काम करते हैं। चार्ट को सबसे पहले हम देखने ट्रेंड कौन सा है। ट्रेंड, अब ट्रेंड की क्या पहचान होती है, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड की क्या पहचान होती है दोस्तों, इसमें हाई टॉप हाई बॉटम बनते जाते हैं। क्या आप देखिए, इसमें हाई टॉप मानिए, टॉप के बाद में इसको हायर टॉप बना, इसको अपन मानेंगे हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, तो हायर टॉप हायर बॉटम इस तरह से बने। टॉप इसने लगाया एक बार जुलाई 2021 में, एक बार लगाया अक्टूबर 2021 में, दोनों में टॉप लगाने के बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देखिए, आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान होती है, एक टॉप पकड़ा, टॉप के बाद में लोअर टॉप हो गया, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम और लोअर टॉप। देखिए, लोअर टॉप इसको ब्रेकआउट अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता तो इसमें मूवमेंट आ सकता था। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन सा मिला है, पहले का देखिए रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पर। तो इधर लेफ्ट में देखोगे तो पहले यहाँ पर दो रेजिस्टेंस भी थे। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट सपोर्ट का काम करता है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी काम कर सकता है, इस तरह से ही आप देख सकते हो। ये देखिए, बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो ये एक कंसोलिडेट फेज में है अभी। और इसमें देखो रेजिस्टेंस क्यों मिला, पहले का देखिए यहाँ पर सपोर्ट था, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर लिया। तो फिर अभी इसको ट्रेंड को देख के अपने को अभी नहीं लग रहा कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया है। अभी प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड को देख के कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अपने को डाउन ट्रेंड कब रिवर्स होगा उसका देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको आपको रेजिस्टेंस दो, अभी प्रेजेंट टाइम है 1300 के लगभग, 1300 को अगर ब्रेकआउट कर देता है ये, तो इसको मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा जो पहले ही है 1450 के लगभग, 1450 के लगभग इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा दोस्तों। ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस है इसके 1300, और ये छोटे छोटे दो रेजिस्टेंस है जैसे 1430 के लगभग है और 1570 के लगभग है, इनको ये ट्रेंड को रिवर्स करना चाहिए। मेजर आपको रेजिस्टेंस यही मिलेगा 1550 के लगभग मान लीजिए, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में इसका ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो ट्रेंड को देख के अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब अपना कैंडल स्टिक देख लेते हैं, जो ट्रेंड ये रिवर्स हो रहे हैं तो कैंडल स्टिक क्या पैटर्न बन रही है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, कैंडल स्टिक के बारे में हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उनको देख सकते हो। जैसे रेजिस्टेंस किस तरह से सपोर्ट है, रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, डबल टॉप डब्लू पैटर्न एम पैटर्न किस तरह से काम करते हैं, तो उन वीडियो का तीनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो। देखिए दोस्तों, कोविड में के बाद में यहाँ जैसे अक्टूबर 2021 में इसमें ये टॉप लगा बॉटम लगाने के बाद में आपको अब ट्रेंड दिखाई दिया, तो इसने बॉटम यहाँ पर देखो कोई कैंडल बनाई है। कौन सी कैंडल बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग कैंडल की क्या खासियत होती है कि ये बॉटम में बनती है और 70-80% के लगभग पहले वाली रेड कैंडल को ये मतलब इनगल्प कर लेती है। और दूसरा, यहाँ उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, तो ट्रेंड आपको देखना, डाउन ट्रेंड है, ये वीकली चार्ट है जिसमें आप प्राइस देखोगे तो आपको दिखेगा 300-400 रुपए के प्राइस है। ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ जाने के बाद में यहाँ पर भी देखो, ये कंसोलिडेट फेज था और कंसोलिडेट फेज के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर इसकी कैंडल कौन सी बनी है दोस्तों, एक तो देखो ग्रीन रेड, एक तो इस तीन कैंडल बन, चार कैंडल बन जाती है पेयर में, तो दो पेयर बन गए, तो इसको सैंडविच भी बोलते हैं। और दूसरा, यहाँ पर ये देखिए छोटी कैंडल बनी है, डोजी टाइप कैंडल, तो आप इस तीन कैंडल को, एक तो ये और ये दो कैंडल, इसका आप बोलोगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। ये कैंडल और ये कैंडल दोनों सेम होती है, ये बॉटम में बनती है, टॉप में बनती है, और दूसरा ये पहले 70-80% को कवर करती है, ये भी 70-80% को कवर करती है, इसको डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ ये डोजी टाइप में कैंडल बनी है, इसको आप बोल सकते हो डोजी इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। जिस तरह से मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बॉटम में बनता है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टॉप में बनता है, ये भी एक डोजी टाइम में। यहाँ देखिए एक फॉर्मेशन बना, उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार बोल सकते हो, तो शूटिंग स्टार ये टॉप में बनता है, ठीक है। टॉप में बनने के बाद में ट्रेंड रिवर्स होता है और इसका स्टॉप लॉस रहता है ये ऊपर वाला।
यहाँ पर देखिए अभी कैंडल स्टिक कोई अच्छी कैंडल स्टिक नहीं बन रही। अब मैं इसका थोड़ा सी मंथली में देखूं तो यहाँ पर दोस्तों डोजी टाइप में बन रही है, डोजी टाइप में बन रही है, तो यहाँ पर डोजी बन गई है। ये रेड कैंडल थी, एक ट्रेंड था और डोजी बन गई। अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल ये इस महीने में बन जाती है, तो फिर इसमें आपको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बन जाएगा। और जो आपको यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा, अपन देखा 1340, तो वहां से भी ये जो रेजिस्टेंस डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस देखिए 1300 के लगभग, तो आपको हर टाइम फ्रेम में आपको देख लेना है, ये आपने देख। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहले जो जून 22 में भी एक सपोर्ट मिला था, इसको सपोर्ट कौन सा मिला था, यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस का सपोर्ट काम करेगा। और यहाँ पर भी अभी सपोर्ट मिल रहा है, और ये सपोर्ट मिलने के बाद में दोस्तों एक पैटर्न भी बनना है। इस देखो पैटर्न को आपको लाइन चार्ट में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आपको थोड़ा सी क्लियरिटी और आ जाएगी। इसको बोलेंगे डब्लू पैटर्न। किस तरह से देखें दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट मिला हुआ है, तो मेजर आप इसको जो रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम करेगा। और यहां से अगर ये यहां तक सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद में इस लाइन को ये ब्रेकआउट करता है, ये देखिए इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो ये दोस्तों सपोर्ट डबल यहाँ पर सपोर्ट हो गया और दूसरा एक डब्लू पैटर्न हो गया। डब्लू पैटर्न होने के बाद में ये देख सकते हो डब्लू पैटर्न यहाँ कंप्लीट होगा और उसके बाद में ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई देगा और ब्रेकआउट होगा। तो आपको बेसर ध्यान रखना कि सस्टेन करे, इसे नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे जाने की पॉसिबिलिटी भी कम है, तो ऊपर की तरफ जाए तभी यहाँ पर डब्लू पैटर्न भी होगा और दो डबल सपोर्ट भी बनाए, यहाँ पर डबल बॉटम भी बनाए। ठीक है, तो डबल बॉटम यहाँ पर देख सकते हो आप और ये पैटर्न भी देख सकते हो, डबल बॉटम बना है, यहाँ डब्लू पैटर्न भी बन जाएगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। अब हम देख लेते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आरएसआई में किसी स्टॉक में बाय करते हो तो एक बार आरएसआई में भी पता चल जाता है कि किस तरह से आपको डाइवर्जन भी दिखाई दे सकते हैं। आरएसआई क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, कि एक लैगिंग इंडिकेटर है जो आपको ये दिखाता है कि इसमें प्राइस में किस तरह से मूवमेंट आ सकता है। अगर प्राइस में देखें यहाँ 20 और 80 के लगभग इसकी बैंडविड्थ होती है, और आरएसआई में अगर आरएसआई की प्राइस नीचे की तरफ है, डाइवर्जन इसमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, पहले अपन बात करते हैं कि इसने टॉप लगाया था, उससे बात कर लेते हैं। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था उस टाइम, और RSI में देखोगे तो आप RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन होता है। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करोगे तो ये देखिए प्रेजेंट टाइम में अपन बात करते हैं, ये देखिए प्रेजेंट टाइम में अभी प्राइस का मूवमेंट, मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ जिससे कि और क्लियरिटी आ जाए। यहाँ से देखिए प्राइस का मूवमेंट यहाँ से लेके और यहाँ तक एक कंसोलिडेट फेज में, रेंज बाउंड एरिया में जो सपोर्ट बना रहा है, लेकिन RSI में देखिए दोस्तों आप इसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो RSI में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं और अपने को डबल बॉटम भी बन रहे हैं, सपोर्ट भी मेजर सपोर्ट है, तो इस तरह से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर इसको टाइम फ्रेम और देखें तो पैटर्न और भी बन सकता है। अपन ने पहले ये डिस्कस किया है डोजी टाइप में भी दो डोजी भी बन रही है, दो डोजी बन रही है, तो डोजी अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है तो इसमें एक अच्छा मोमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों में एक होता है फिबोनिक रिट्रेसमेंट। फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है, एक अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो आप उसको देख सकते हो कि उसमें कितनी मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है, कितनी करेक्शन आ सकती है, कितना डाउन आ सकता है, ये इसका फिबोनिक रिट्रेसमेंट है दोस्तों। ये देखिए इसको बॉटम को, एक बॉटम था यहाँ पर देखिए, ये बॉटम था पहले का बॉटम और एक सपोर्ट ऊपर का टॉप था, उसको हमने मिला दिया, तो देखिए किस तरह से काम किया, नीचे की तरफ आया तो पहले यहाँ पर सपोर्ट कहाँ मिला, इसको 28-23% पर सपोर्ट मिला है, फिर बाद में देखिए मेजर सपोर्ट कहाँ मिला है, ये देखिए यहाँ पर ये है 38% की रिट्रेसमेंट है इसका। अगर किसी को नहीं फिबोनिक रिट्रेसमेंट क्या होता है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। फिर बाद में 50% के रिट्रेसमेंट के लगभग सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर देखिए कितना सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर बाद में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला है, रेजिस्टेंस मिला 38% की रिट्रेसमेंट, नीचे की तरफ आया, देखिए दोस्तों नीचे की तरफ आके और ऊपर रेजिस्टेंस का मिला, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का मिला 50% की रिट्रेसमेंट पर, नीचे की तरफ आया, डाउन आया और यहाँ पर 78% को सस्टेन ही नहीं किया, डाउन डायरेक्ट ही आ गया, सॉरी 61 को सस्टेन नहीं करे, डायरेक्ट ही आ गया 78% की रिट्रेसमेंट, जो मेजर सपोर्ट भी है इसका, और यहीं प्रेजेंट टाइम में लगभग अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा दोस्तों प्राइस में हो सकता है।
या आ भी सकता है और नहीं भी आए, लेकिन इस सपोर्ट का जो मेजर सपोर्ट है इसका आपको ध्यान रखना जरूर। ऊपर रेजिस्टेंस कब मिलेगा, अब देखिए ऊपर रेजिस्टेंस का भी देख लीजिए, जो 1330 के लगभग अपन ने ये बात की थी उसके लगभग इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जो पहले सपोर्ट था यहाँ पर देखो, और रेजिस्टेंस का अब 1520 के लगभग ट्रेंड ऊपर जाने के बाद भी इसका ट्रेंड चेंज होगा, जो स्टार्ट यहाँ से हो सकता है लेकिन ऊपर जाने के बाद में इसमें नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है दोस्तों। और ऊपर आप देख सकते हो कि इस तरह से ऊपर जाओगे आप, इबोनिक रिट्रेसमेंट लगा के देख लेना कि किस तरह से अपने को कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे। और ऊपर की तरफ अगर वापस ट्रेंड रिवर्स होता है तो वो एक बार सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का भी काम करेंगे। तो इस तरह से इस राउट मोबाइल स्टॉक में आप रणनीति बना सकते हो दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज सबसे पहले अपने को क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम है ये, डेली टाइम फ्रेम में देखिए अपने को ट्रेंड पहचान है, ट्रेंड अब ट्रेंड की क्या पहचान होती है, हायर टॉप। देखिए दोस्तों हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, और बनने के बाद मुझे कि एक और ये भी देख लीजिए, ये जो वापस रिट्रेसमेंट कर रहा है वो सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, देखिए नीचे की तरफ ये सपोर्ट कहाँ मिला, पहले रेजिस्टेंस था इसका, यहाँ नीचे सपोर्ट कहाँ मिला, ये पहले रेजिस्टेंस था, तो ये भी आपको देखते रहना है। यहाँ पर इसने 17 में सपोर्ट कहाँ मिला है, ये पहले देखो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एकदम कंसोलिडेट फेज था, और ये भी देखो एक बार शायद यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है, ये कब का है, गैप अप ओपनिंग हुई है एक, ये भी ध्यान रखना आपको अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, अगर कोई रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट फेज के बाद में गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो जो गैप होता है वो फील जल्दी से नहीं भरा जाता है, ठीक है, वो गैप होता है वो जल्दी नहीं फील भरा जाता, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाने के बाद में देखिए इसमें रेंज बाउंड एरिया ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ, ऊपर की तरफ जाने के बाद में सस्टेन सपोर्ट का मिला, पहले वाला रेजिस्टेंस के पास मिला, तो ये अभी तक अब ट्रेंड ही चल रहा है, अब ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड होता है थोड़ा बहुत ये इसमें प्राइस में करेक्शन आई है, ये दोस्तों कोविड के टाइम आई है, कोविड के बाद सपोर्ट का मिला, ये भी देख लीजिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा, ये देखो लेफ्ट में यहाँ देखोगे तो यहाँ दोस्तों रेजिस्टेंस है वहीं सपोर्ट मिला, पहले यहाँ सपोर्ट भी मिल चुका है। तो इस तरह से आप चार्ट को अप्रोच देना सीखिए दोस्तों। अब ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पर दो टॉप बनाया है, टॉप के बाद में अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, डाउन ट्रेंड की क्या पहचान है ये भी देखिए, डाउन ट्रेंड अब किसी ने दोस्तों कभी ने ये देखिए कहीं किसी ने यहाँ ले लिया होगा कि कितने ये तो कितने 1200 को स्टॉक था 700 रुपये 700-800 रुपये आ गए, इतने परसेंट करेक्शन हो गई हम ले लेते हैं, तो लेकिन दोस्तों आपको ट्रेंड रिवर्स हुआ ही नहीं तो लेने से क्या फायदा है, यहाँ ही लेना था तो यहाँ लीजिए, थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा दोस्तों। जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ किसी लगे ब्रेकआउट पे ही तो करते हैं, जैसे निफ्टी में है कोई ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट के बाद में आपको ट्रेड लेते हैं, ऐसा थोड़ी कि पहले ही ले लिया, तो ब्रेकआउट के बाद में उस तरह से जो ट्रेडिंग करते हैं उस तरह से ही आप स्टॉक में भी देख सकते हो, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा ले लेना। डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पहले वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे एक रेंज में ये ट्रेड लाइन भी हो सकती है, इसको ही ब्रेकडाउन नहीं किया इसने, मतलब ब्रेकआउट नहीं किया, नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो अभी ट्रेंड को देख के दोस्तों कभी इसमें लग ही नहीं रहा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। मूवमेंट कब इसमें मतलब ट्रेंड रिवर्स कब होगा, सबसे पहले आपको ये देखा थोड़ा, अब कोई स्टॉक को दोस्तों कोई बॉटम में और टॉप में, बॉटम में तो उसको बाय नहीं कर सकता, टॉप में कभी भी कोई नहीं बेच सकता, अगर जो बोल रहा है ऐसा है तो वो कोई झूठ ही बोल रहा होगा दोस्तों, चार्ट में देख लो चाहे फंडामेंटल देख लो कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो एफआईज होते हैं वो भी बीच में बाय करते हैं और पहले टॉप से पहले ही सेल कर देते हैं, और रिलेटेड जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं अपने जैसे करते हैं, और ऊपर जाएगा ऊपर कैसे जाएगा ये तो बाद में इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो आपको टेक्निकल चार्ट को रीड किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको बिजनेस मॉडल देखिए उसका, और उसका फ्यूचर ग्रोथ देखिए, और लास्ट में टेक्निकल चार्ट देखिए कि वहाँ कितना परसेंट डाउन आ सकता है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से दोस्तों अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, ये जोर पहले रेजिस्टेंस होगा, मतलब 650 के लगभग ऊपर की तरफ जाएगा तब आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिलेगा और ब्रेकआउट हो सकता है। मेजर आपको तो ये यहाँ पर हुआ है 740 के लगभग, अब आप बोलोगे कि 200 रुपये महंगा, दोस्तों महंगा है लेकिन नीचे आ गया, 2 साल रुक गया, फिर क्या करोगे, यहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप धीरे धीरे अकुमुलेट कर सकते हैं। हमने पहले भी पहले इसको जब डिस्कस किया था बिजनेस मॉडल के तो डिस्कस किया था कि आप इस स्टॉक से दूर रहिए, लेकिन अब इसमें मेजर सपोर्ट बन रहा है तब अपने ये कहे कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो एकुमुलेट करना चाहिए, नए फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो इसमें आप किसी भी जैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो पहले प्राइस को बोलने दीजिए, पहले इसमें यह नहीं बोला कि मैंने बाय कर लिया अब चलने दो, अब नहीं चलता दोस्तों, वो पहले स्टॉक को प्राइस को बोलने दीजिए, आप थोड़ी क्वांटिटी ले लीजिए, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तब और एकुमुलेट कर लेना।
यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे 650 के लगभग, तब एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और ऊपर की तो मेजर रेजिस्टेंस है 740-745 के लगभग, उसके बाद में एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा इसका। तो इस तरह से अभी कोई अपॉर्चुनिटी देख के अकुमुलेट कर सकते हो, मेजर सपोर्ट भी है उसका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैंडल स्टिक की। दोस्तों वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको टेक्निकल कंप्लीट टेक्निकल चार्ट किस तरह से अप्रोच दी जाती है उसके बारे में। कैंडल स्टिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक के बारे में आप धीरे धीरे सीखिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, कोविड के टाइम में इसमें एक यहाँ से कोविड के टाइम ऊपर की तरफ निकला स्टॉक, और देखिए टॉप लगाया, टॉप से देख लेते हैं टॉप यहाँ कौन सी पैटर्न बन गई दोस्तों। इसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। देखिए क्या कंडीशन होती है, उसकी पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड मतलब अब ट्रेंड होना चाहिए, और टॉप में भी बनती है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन जो भी है। इससे पहले एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल है, एक डोजी कैंडल होनी चाहिए, डोजी कैंडल है, एक रेड कैंडल होनी चाहिए, तीन का फॉर्मेशन होना चाहिए, तीन का फॉर्मेशन दोस्तों है ये, और उसका स्टॉपलस ये ऊपर वाला टॉप रहता है और नीचे की तरफ ये प्राइस में आ सकता है, ठीक है। तो इसको इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन हो, बाद में प्राइस में नीचे की तरफ ऊपर की तरफ गया, इसको बोलेंगे डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। मतलब क्या कंडीशन होती है, अब ट्रेंड होना चाहिए, टॉप में बनती है, पहले वाले कंडीशन, पहले वाले जो कैंडल होती है इसको 70-85% के लगभग कवर करना चाहिए, इनगल्फ करना चाहिए, इनगल्फ का मतलब होता है निकलना, कवर करना, और फिर बाद में नीचे की तरफ आप मूवमेंट दिखाई देगा। और इस तरह से अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ गया, तो एक देखो सैंडविच बना दोस्तों, रेड ग्रीन छोटी छोटी कैंडल बनी है, लेकिन रेड ग्रीन पेयर में बना, जिस तरह से सैंडविच होता है उस तरह से ही लेयर होती है, रेड ग्रीन ये चार का हो गया, तो इसको सैंडविच बोलेंगे। ये बॉटम में भी बन सकता है, टॉप में भी बन सकता है, उसके बाद में एक ट्रेंड आपको देखेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल, जो टॉप में बनती है, टॉप के बाद में रिवर्स। मैं आपको ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक क्यों बता रहा हूँ कि जहां पर ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है उसको आप पहचानिए चार्ट में, जो भी टाइम फ्रेम लेते हो आप। यहाँ देखिए एक यहाँ डोजी कैंडल बनी है दोस्तों, ग्रीन कैंडल भी बन गई, तो इस फॉर्मेशन कंप्लीट होगा जब इसको ब्रेकआउट होगा, मतलब 570 के लगभग ब्रेकआउट होगा और सस्टेन कर लेगा, तब इसमें एक अच्छा मोमेंट हो सकता है। और ये कैंडल हो सकती है, हुई नहीं है दोस्तों, ये हो सकती है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। एक रेड कैंडल बन गई है, अभी एक दो रेड कैंडल और भी बन सकती है, लेकिन इसको ये छोटी छोटी रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन ये रहेगा पैटर्न मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन ही रहेगा, और इसके ऊपर की तरफ जाएगा तब इसमें आपको मोमेंट दिखाई देगा। अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, इस समय आप एक ट्रेंड रिवर्स होगा तब अपन देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, नीचे भी और भी आ सकता है। अब बात करते हैं अपन RSI में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। RSI में देखोगे तो दोस्तों प्राइस का देखिए ऊपर की तरफ गया है, और ये टॉप दो टॉप लगाया है, ये देखिए दो टॉप लगाया इसने, ठीक है, दो टॉप बराबर है लगभग, ठीक है, हमने जो अभी चार्ट में डिस्कस किया। और इसमें देखोगे तो प्राइस में देखिए कितना, आप यहीं देख लिए दोनों, ये दोनों टॉप बराबर है, इस प्राइस में आप RSI में देखोगे तो डाइवर्जन है, इसको बोलते हैं दोस्तों नेगेटिव डाइवर्जन। तो RSI को देख के आपको अलर्ट हो जाना था कि इसमें कुछ मूवमेंट आ सकते हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ इसमें देखो प्रेजेंट टाइम में अभी दोस्तों कोई भी RSI में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे, ये आप देखिए RSI में कोई ऐसा डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से पैटर्न बनेगा तब RSI में डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब दोस्तों एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट होता है, उसके टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है। इसके द्वारा एक हमने कोविड के टाइम का बॉटम लगाया और टॉप लगा दिया। ये देखिए ये फिबोनिक रिट्रेसमेंट, इसमें 5 पॉइंट होते हैं। अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में वो करेक्शन, मतलब इस डाउन कितना परसेंट तक आ सकता है उसको हम इसके फॉर्मुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है उसी तरह से ये काम करता है। देखिए टॉप लगाने के बाद हम पहले बार सपोर्ट कहाँ मिला है, 23% के लगभग, नेक्स्ट बार कब मिला है, 38% पे, नीचे की तरफ आया, कहाँ मिला है, 50% पे, नीचे की तरफ आया, 61% पे सपोर्ट नहीं मिला, मतलब टेस्ट नहीं करके ऊपर की तरफ चला गया। वापस रेजिस्टेंस कहाँ मिला, 38% के लगभग। तो आपको एक बार अगर नहीं समझ में आए तो बार बार दो तीन बार वीडियो देख लेना जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब एक ही चीज को बार बार बताने से ठीक नहीं रहता दोस्तों। अब देखिए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर 38% पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे की तरफ आया, पहले टेस्ट नहीं कर रहा था ये, लेकिन ये फिर देखिए 61% को टेस्ट किया। ये देखिए दोस्तों कमाल, देखिए इसका 61% को टेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ गया। और सपोर्ट कहाँ मिला इसको, देखिए सपोर्ट मिला है, सॉरी रेजिस्टेंस मिला है अपने 50% के रिट्रेसमेंट को, फिर वापस सपोर्ट कहाँ मिला और यहाँ पर सस्टेन भी किया और फिर नीचे की तरफ आके यहाँ पर आ गया 78% पे दोस्तों आ चुका है। यहाँ पर अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, RSI में डाइवर्जन दिखाई देते हैं और एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या कोई दूसरा फॉर्मेशन बन जाता है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसमें एक स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें और भी ज्यादा बाद में देख सकते हो कि कितनी डाउन आ सकता है।
वहां फिर हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से दोनों स्टॉकों में आप रणनीति बना सकते हो दोस्तों। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये देखिए दोस्तों रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अब ट्रेंड इसका कब होगा, जब 650-60 के लगभग होगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, और फिर बाद में आप देखोगे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फिबोनिक रिट्रेसमेंट के थ्रू आप लगा के देख सकते हो। तो इस तरह से दोनों स्टॉकों में रणनीति बना सकते हो दोस्तों। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर है स्टॉक का और ग्रो का, तो आप जाके उनको लिंक से कॉल ओपन कर सकते हो अकाउंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।